लखनऊ में हुआ एक निकाह सुर्खियों में छा गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दूल्हा है, दुल्हन है, काजी है, दोनों का परिवार मौजूद है, निकाह पढ़ा जा रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है? तो इसकी वजह है निकाह होने की जगह और समय। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तैर रहे इस वीडियो को देखकर आपको विवाह फिल्म का एक सीन जरूर याद आ गया होगा, जब गंभीर रूप से घायल एक्ट्रेस अमृता राव से शाहिद कपूर आईसीयू वार्ड में शादी करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी जरा अलग है। तो लखनऊ के अस्पताल में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जब अस्पताल के आईसीयू वार्ड में निकाह पढ़ा जाने लगा तो वहाँ का माहौल ही बदल गया। आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर कुछ समय के लिए ही सही लेकिन मुस्कान आ गई। जी हाँ, दो बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आईसीयू में निकाह किया। आमतौर पर अस्पताल का माहौल काफी सीरियस होता है, मरीजों की चीख पुकार लोगों को विचलित कर देती है, लोग अस्पताल में दम तोड़ते हैं तो कहीं बच्चों की किलकारियां भी अस्पतालों में गूंजती हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर शादी होते हुए तस्वीरें शायद ही देखने को मिलती है। लेकिन लखनऊ के एक अस्पताल में ऐसा हुआ है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता बिस्तर पर हैं और काजी निकाह पढ़ा रहे हैं, वहीं बगल में गले में फूलों की माला पहने दूल्हा भी खड़ा है। लखनऊ के दुबग्गा स्थित एरा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहे एक पिता ने अपनी दोनों बेटियों का निकाह अपनी आंखों के सामने ही कराया। लोगों ने इस खूबसूरत से पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस निकाह में मौलवी के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी शामिल हुए। अस्पताल प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद दोनों दूल्हों को अस्पताल बुलाया गया, मौलवी को भी अस्पताल बुलाया गया और फिर सैयद जुनैद इकबाल ने अपनी आंखों के सामने ही ये निकाह होते हुए देखा। अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वीडियो को देखकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सैयद जुनैद इकबाल की दोनों बेटियों की शादी 22 जून को तय थी, लेकिन उससे पहले इकबाल की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पिछले 15 दिन से उनकी तबीयत में सुधार नहीं है। उन्हें इन्फेक्शन के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तबीयत में सुधार नहीं होता देख सैयद जुनैद इकबाल ने दोनों बेटियों का निकाह अपनी आंखों के सामने होने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन से अनुमति मांगी गई और अनुमति मिल गई। और अब इस अनोखे निकाह की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।